क्रिसमस का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर के गिरजाघरों में रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य सजावट की गई है। लोग अपने घरों को भी सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाते हैं और एक दूसरे को उपहार देकर क्रिसमस की खुशियाँ बांटते हैं। शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में भी आज सुबह प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें ईसाई धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और यीशु मसीह को याद किया। प्रार्थना सभा के दौरान लोगों ने यीशु मसीहा से कोविड महामारी से जल्द निजात मिलने की प्रार्थना की। चर्च के पादरी सोहन लाल ने बताया कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार सक्षम हो और लोगों को जल्द इस महामारी से निजात मिले, इसके लिए यीशु मसीहा से प्रार्थना की गई। दिसंबर को हमने 11 बजे यहाँ क्राइस्ट चर्च में अपने क्रिसमस की खास आराधना की गई, जिसमें हमने क्रिसमस कैरल गाए और क्रिसमस की बधाई दी गई और उसके साथ साथ हमने प्रेयर की गई, जिसमें खास प्रेयर्स इस समय हमारे देश के लिए और दुनिया भर के लिए, जबकि एक बार फिर कोविड-19 के केसेस फिर बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन वायरेंट जो फिर से अटैक कर रहा है, उसके लिए भी हमने प्रेयर किए हैं कि प्रभु हर एक अपने लोगों पर अपनी दया और कृपा करें और उन्हें उन खतरनाक वायरस से बचाए रखें, ताकि आने वाला जो वर्ष है हमारी शांति, आनंद और खुशियां लेकर आए, जिसमें हम एक बार फिर एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकें। और साथ ही हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना की है